विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरोध कुछ नहीं करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिताजी, माताजी, मैं स्वामी की इच्छा के विरुद्ध यहाँ नहीं रह सकती और वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। रुको पुत्री, किस अधिकार से रुकूं मैं पिताजी, जब मेरे स्वामी मेरी ओर देखना तो दूर, मेरी बात तक नहीं सुन रहे हैं। वो तुम्हें देख और सुन नहीं पा रहा है पुत्री, क्योंकि वो स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं। उसकी चेतना कहीं और एकाग्र है। ध्यान से देखो पुत्री, उसका तन यहाँ है, आत्मा नहीं। वो तो अपने प्रभु गोविंद के पास है। पुंडलिक को अपने गोविंद के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, मेरा कर्ण कर्ण आप में समाया है, ये समझता हूँ मैं। पर फिर भी मैंने आपकी अवहेलना कैसे की? ये अपराध कैसे हुआ मुझसे प्रभु? ये भूल मैंने कैसे कर दी प्रभु? मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम ही नहीं वत्स, मेरे सभी सच्चे भक्त मुझ में समाहित हैं। भक्त है तो भगवान है। मेरे सभी भक्त मेरे हृदय के निकट रहते हैं। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुंडलिक, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान। विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। भाव की एकाग्रता का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अद्भुत है उनकी प्रभु भक्ति। हे प्रभु, हे गोविंद, मुझे आशीष दीजिए ताकि मैं आपका विश्वास पुनः पा सकूं। मुझे अवसर दीजिए प्रभु। वो अवसर तो तुम्हें मिल चुका है वत्स। क्षमा कर दिया। आई पिताजी, प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। मालती, मेरी अर्धांगिनी, मैं मैं अपने सभी दुर्व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं ना तो योग्य पुत्र बन पाया और ना योग्य पति। मुझे क्षमा कर दो मालती। नहीं स्वामी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए जो माता पिता का अपमान कर घोर अपराध किया। आपका व्यवहार तो उसी बात का दंड था, किंतु अब मुझे समझ में आ गया। मैं जान गई, माता पिता के आशीर्वाद को जो टुकराता है उसे कोई नहीं अपनाता। संसार के सभी आनंद उसके जीवन से लुप्त हो जाता है। माता पिता को दुखी करने वाले के जीवन में कभी सुख नहीं आता। माता पिता के चरणों में ही समृद्धि का स्रोत है और इनकी भक्ति में ही वास्तविक आनंद। इसलिए मैं आपके साथ इनकी भक्ति करना चाहती हूँ स्वामी। मालती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मेरे जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान में तुम समान रूप से भागीदार हो। मैं तुम्हें साक्षात प्रभु की पूजा करने से कैसे रोक सकता हूँ? आपका स्वागत है, आइए हमारे घर को पवित्र कर दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। मेरी प्रार्थना है महात्मा जी, मेरी भूल जो अपने भूलों का प्रायश्चित कर ले उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य, तुम पर तो ईश्वर की कृपा है, फिर तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई दुर्भाव कैसे हो सकता है? प्रणाम महात्मा जी। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देते। सत्य है महात्मा जी, आपने पहले भी कहा था मैं अपने माता पिता के पास लौट कर आऊंगा, उनकी सेवा के लिए तड़पूंगा। मत भूलो, मैंने ये भी कहा भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओ और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ये शीघ्र ही होगा। महात्मा जी, मुझसे इतनी भूल हुई। सभी ने मुझे संभालने का बहुत प्रयास किया पर मेरे पांव फिर भी डगमगाते रहे। सभी का विश्वास खो दिया मैंने, उसे वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, चारों भावों से परे लाभ हानि, दंड पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो। तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। अर्थात माता पिता, भ्राता और पत्नी से क्षमा पाने के बाद पुंडलिक को प्रभु गोविंद से भी आशीर्वाद मिल गया। नहीं, भक्त प्रभु की भक्ति से तभी जुड़ सकता है जब स्वयं प्रभु उसकी भक्ति स्वीकार करना चाहे, और वो क्षमा के बिना संभव नहीं था। किंतु ईश्वर का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं है, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और अभी तो पुंडलिक को अपने माता पिता के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को प्रमाणित करने के लिए एक बड़ी परीक्षा देनी थी कि भविष्य में कुछ भी हो, माता पिता के प्रति उसका सेवा भाव सच्चा था, स्थिर था, उसमें अब कोई बदलाव नहीं आने वाला था। पिताजी, ये लीजिए आपकी शैया। माँ लाइए मैं आपके पाँव दबा दूँ। तूफान की आहट से प्रकृति किसी संकट का संकेत दे रही है। तूफान का अर्थ सदा संकट नहीं होता पुत्र दिवाकर। ऐसा ही समय था, वातावरण ने तब भी ऐसा ही विकराल रूप लिया था जब प्रभु गोपाला का जन्म हुआ था और उसके साथ गोकुल में समृद्धि और धर्म के युग का आरंभ हुआ था। इसीलिए किसी भी आंधी तूफान और संकट के संकेत में भी कोई ना कोई अच्छाई छिपा होता है। प्रभु की लीला बड़ी रहस्यमयी होती है पुत्र, उसे समझना सरल नहीं। पुत्र पुंडलिक, तुम भी जाकर विश्राम करो। पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। पिताजी की निद्रा में बाधा पड़ रही है, तकिया चाहिए उन्हें। यहां तो कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए। पिताजी, मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए, अच्छी निद्रा आ जाएगी। नहीं पुत्र, तुम्हें भी तो विश्राम करना है ना। नहीं नहीं आई, आपके विश्राम से मुझे विश्राम का सुख मिल जाएगा। आप मुझे अनुमति दीजिए, नहीं तो आपको कष्ट में देखकर मुझे निद्रा कहाँ आएगी। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, जब मुझे निद्रा आएगी तो मैं आपकी निद्रा भंग किए बिना सो जाऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है आपको मैं उड़ जाऊंगा? नहीं प्रभु, जब तक इनकी निद्रा पूरी नहीं होती मैं यहां से तनिक भी नहीं हिलूंगा। धन्य हूं मैं जो मुझे माँ पिताजी की ऐसी सेवा का अवसर मिल रहा है। ठंड बढ़ रही है, मैं स्वयं को अंग वस्त्र से और ढक लेता हूं। चलो अच्छा है, इसने मार्ग बदल लिया। अंगवस्त्र तो दूर चला गया, किंतु कोई बात नहीं, वहां पिताजी तो सो रहे हैं। ओह, अब यह दुष्ट पिताजी की ओर बढ़ रहा है। इनकी निद्रा भंग हो रही है, मैं हिल नहीं सकता। इस कीट को तो रोकना होगा। तनिक भी हिला तो मां पिताजी की निद्रा भंग होगी। मेरी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे माता पिता की निद्रा। तुम्हारी भूलों के लिए तो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया पुंडलिक, किंतु अटूट विश्वास ही भक्ति की नींव को मजबूत करता है। एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करने वाले दीपक और बाती के समान विश्वास ही भक्त और भगवान के संबंध का आधार है। तुम्हें अभी पुनः मेरा विश्वास पाना शेष है। काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों भावों से परे लाभ हानि, दंड, पुरस्कार, पीड़ा या सुख की चिंता किए बिना तुम जिस प्रकार अभी अपने माता पिता की भक्ति में लीन हो, वैसे ही एकाग्रता से उनकी भक्ति करते रहो, तुम्हें स्वयं मार्ग मिल जाएगा। नहीं, ये पीड़ा सहूंगा मैं, अपना पाँव नहीं हटाऊंगा। ये कीट पुंडलिक का निश्चय नहीं तोड़ सकेगा। और माता पिता की भक्ति करने वाले भक्तों से तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहते हैं। ऐसे भक्तों को वो कोई कष्ट नहीं होने देते। पुंडलिक, पुंडलिक, पुंडलिक। पुंडलिक, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने स्वयं तुम्हारे द्वार पधारे हैं। मैं वहां नहीं, तुम्हारे द्वार खड़ा हूं वत्स। मेरे प्रभु गोविंद। हाँ पुंडलिक, बाहर आओ। आज भगवान अपने भक्त से भेंट करने आया है। मुझसे भेंट नहीं करोगे? पहले आपको निद्रा आ जाए, उसके बाद जाकर मैं विश्राम करूंगा। मेरे प्रभु हमारे द्वार, अहोभाग्य है हमारा, किंतु क्षमा प्रभु, अभी तो मैं माता पिता की सेवा में हूं, चाह कर भी आपके स्वागत के लिए नहीं आ सकता। इन्हें छोड़ बाहर आया तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। क्या तुम्हें इसकी चिंता है कि अपने माता पिता को दिया वचन भंग कर दोगे तो मेरी परीक्षा में असफल हो जाओगे, मेरा विश्वास नहीं पा सकोगे। हाँ प्रभु, अभी तो मेरा एक ही कर्तव्य और एक ही चिंता है, मेरे माता पिता के विश्राम में कोई बाधा ना आए। तो क्या अपने प्रभु की ओर एक बार मुड़कर देखोगे भी नहीं? प्रभु, अपने भक्त को दुविधा में मत डालिए। एक बार मुड़ा तो अपने प्रभु के मुख से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाऊंगा, फिर कैसे रोकूंगा अपने आप को? किंतु जब तक माँ पिता की निद्रा पूर्ण ना हो जाए, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। तो क्या तब भी नहीं मुड़ोगे जब स्वयं तुम्हारे गोपाला ऐसी तूफानी रात्रि में तुम्हारे घर के बाहर खड़े? आप तो प्रभु हैं, मेरे हृदय की दशा आप जानते हैं, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं मैं, किंतु ये भक्त आपके दर्शन सुख पाने के लिए अपने माता पिता के सुख को खंडित नहीं कर सकता। आप भगवान हैं मेरे, तो इस भक्त की प्रार्थना पर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए प्रभु। अच्छा, मुझे प्रतीक्षा करवाना चाहते हो, तो क्या मुझे एक आसन नहीं दोगे? तो कुछ नहीं दे सकता, किंतु इस ईट को ही आसन रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। आप अपने भक्त पर कृपा कर मुझे दर्शन देने आए हैं और मैं आपका स्वागत करने में भी अक्षम हूं। मुझे क्षमा करना प्रभु। उचित है पुंडली, फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम वो प्रथम भक्त हो जिसके लिए भगवान प्रतीक्षा करेंगे। और इस प्रकार पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा के प्रति एकाग्र रहकर और उनकी सेवा को अपनी पीड़ा और अपने गोविंद के स्वागत से अधिक महत्व देकर प्रमाणित कर दिया कि माता पिता के प्रति उसकी सेवा, उसकी भक्ति सच्ची श्रद्धा से भरी है। इस प्रकार वो अपनी अंतिम परीक्षा में भी सफल हुआ। मेरा भक्त पुंडलिक अब मेरे महानतम भक्तों की श्रेणी में अग्रणी अर्थात भक्त शिरोमणि हो गया है। प्रणाम आई। प्रणाम पिताजी। हे प्रभु, हे गोविंद, वो जाग गए। मैं आ रहा हूं प्रभु। कीट के काटे की पीड़ा कुछ भी नहीं। यदि आपके साक्षात दर्शन ना होते तो आपका ये भक्त ये पीड़ा सहन नहीं कर पाता। किंतु आपने अपने भक्त पर कृपा की। आप सदैव इस रूप में मेरे साथ रहेंगे। आइए प्रभु, स्वागत है आपका। व्यक्ति स्वार्थ और मोह को त्याग कर यदि सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है तो ईश्वर भी उसे क्षमा दान देना नहीं भूलते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।